हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण सिंह एंड यू ऑल आर वाचिंग दी केएस क्लासेस। एंड आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम नरेशन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस कम टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज नरेशन। सबसे पहले आइए जानते हैं कि नरेशन होता क्या है। देखिए, नरेट मीन्स टू स्पीक और टेल। जो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या बोलना या बताना। एंड नरेशन मीन्स स्पीच। नरेशन का क्या मतलब होता है? वर्णन या फिर कथन। तो व्हाट इज नरेशन? नरेशन है क्या? नरेट टू स्पीक, नरेट मीन्स टू स्पीक एंड नरेशन इट मीन्स कथन या फिर वर्णन। तो ऐसे डिटेल्स में इसके डेफिनेशंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन होता क्या है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। कहते आर्ट, वह कला बताने की, रिपोर्ट करने की। किस चीज़ को रिपोर्ट करने की? स्पीकर के शब्दों को, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को रिपोर्ट करने की जो आर्ट होती है उसी को हम नरेशन कहते हैं। सो व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या होता है एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। तो जो आर्ट होती है, जो कला होती है रिपोर्ट करने की स्पीकर के शब्दों को, उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। मीन्स कर्ता के कहे गए बातों को, कर्ता की कही गई बातों को नरेट करने का, रिपोर्ट करने का जो आर्ट होता है उसी को हम नरेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि नरेशन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नरेशन की बात कर लें कि नरेशन जो होता है, जो वर्णन होता है, जो स्पीकर के शब्दों को नरेट कर किया जाता है, वो कितने तरह से किया जा सकता है, कितने टाइप्स के किया जा सकता है। सो मीन्स नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो द वर्ड्स ऑफ स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड बाय टू वे। किसी भी स्पीकर के शब्दों को दो तरीके से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसका वर्णन कर सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं। नंबर वन, पहला है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। पहले को हम डायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हिंदी में से डायरेक्ट वर्णन कह सकते हैं और डायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, जो दूसरा टाइप्स है एक स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करने का, वह है इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट वर्णन कथन, फिर कह सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको नरेशन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन का किस तरह का फॉर्म होता है। सो नरेशन, जैसा कि बताया गया, नरेशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं पहले। सो कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि कोटिंग का मतलब है कि बताना या कहना, एक्चुअल मीन्स ठीक उसी शब्द को स्पीकर के, कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच मीन्स जब हम स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को, कहे गए शब्दों को एग्जैक्ट एक्चुअल में वही शब्द को बोल दें जो स्पीकर ने बोले हुए हैं, तो उस तरह का जो नरेशन होता है, उस तरह का जो स्पीच होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक बार फिर से समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होती है जब किसी स्पीकर के, जब किसी कर्ता के शब्दों को, सेंटेंस को, शब्दों को हूबहू वैसा का वैसा बोल दिया जाए जैसा इसने
डिलीवर किया है जैसा इसने कहा है, तो उस तरह के स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ये तो कह रहा है कोटिंग द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाई द स्पीकर। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम बताते हैं, कहते हैं क्या उस भाव को, किसके स्पीकर के शब्दों का क्या मतलब था, क्या मीनिंग था, या फिर क्या कहना चाह रहा था, उस कंटेंट को जब हम बताते हैं, न कि उसके बोले गए शब्दों को जो हूबहू एग्जैक्ट उसने यूज़ किए हुए हैं शब्द को, वो ना बोल के उसी बात को अपने तरीके से डिलीवर करने के आर्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार फिर से देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो जब स्पीकर के वर्ड्स को एक्चुअल तरीके से एग्जैक्ट ना डिलीवर करके केवल स्पीकर के सब्सटेंस को, कंटेंट को, वो क्या कहना चाहता है, इस चीज़ को जब डिलीवर करते हैं अपने शब्दों में, सो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो आई होप व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, दीज टू हैव बीन क्लियर टू यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दोनों स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये डायरेक्ट है और कैसे इनडायरेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, कोई यहाँ पे ही है और उसने कहा है, ही सेड आई राइट अ लेटर। तो स्पीकर यहाँ पे ही है, इसने कुछ कोट किया है, कुछ बातें कही है, उसने क्या कहा है कि आई राइट अ लेटर। सो जब कोई व्यक्ति इस कोट को, इस वर्ड्स को एग्जैक्टली बोल देता है, सो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे किसी ने कहा कि ही सेड, उसने कहा कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो कहीं ना कहीं आई राइट अ लेटर में उसने कोई चेंजेस नहीं किए हैं कोट करते समय। सो ये जो तरीका होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच का तरीका होगा। बट अगर इसको हम जो स्पीकर के शब्दों को एग्जैक्ट ना बोल के उसी कंटेंट को अपनी भाषा में बोलें, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे किसी का कहा गया इसी मैटर को कि ही सेड, उसने कहा दैट कि ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखता था। तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंटेंट है, मैटर है, जो हमारा इस वाक्य में सब्सटेंस है, जो कहना चाह रहा है, वही इस वाक्य में भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया है, सेंटेंस का रूप चेंज हो गया है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं हुई है। तो इस तरह का जो वे है स्पीक करने का, कोट करने का, बोलने का, वो होगा डायरेक्ट। और ये इस तरह का जो वे है किसी कंटेंट को बोलने का, वो होगा इनडायरेक्ट। उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। राधा एक स्पीकर है, उसने जो कुछ कहा हुआ है क्या, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करती हूँ। तो ये उसका एग्जैक्ट क्या है, वर्ड्स है, बट इसी को अगर हम अपने शब्दों में बोलें तो हम कह सकते हैं कि राधा सेड दैट सी हेल्प्ड हिम, मीन्स राधा ने कहा कि मैं उसकी मदद करती थी। बट यहाँ पे राधा ने कहा कि वह उसकी, मैं उसकी मदद करती हूँ, ये किसी को राधा ने बोला है और वो उसी वाक्य को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो एग्जैक्ट राधा के सेंटेंस को, वर्ड्स को बोल दे तो उस तरह का जो वे होगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा, या फिर वो इस तरह का वे भी अप्लाई कर सकता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। राधा सेड दैट ही, सॉरी, सी हेल्प्ड हिम, राधा ने कहा कि वह उसकी मदद की या करती थी। नेक्स्ट को देखते हैं, अगले एग्जाम्पल्स को। कह रहा है कि सी सेड मोहन वर्क्स हार्ड, वह उसने कहा कि मोहन कठिन काम करता है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है,
इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा इसका? सी सेड, उसने कहा दैट कि मोहन वर्क्ड हार्ड, कि मोहन कठिन परिश्रम करता था, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। देखिए जो सेंटेंस है उसके सब्सटेंस में, उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, जबकि सेंटेंस का जो फॉर्म है, सेंटेंस का जो रूप है, वो केवल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो रूप है, ये जो तरीका है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और ये जो फॉर्म है, ये जो रूप है, ये जो तरीका है बोलने का, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए की पॉइंट्स को देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लर्निंग नरेशन। नरेशन पढ़ने में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, तो इसको आपको अपने दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को लर्न कर लें कि ये सब, इनके नाम क्या हैं, क्यों, क्योंकि इनको बार बार आने वाले रूल्स में बताया जाएगा। अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता होंगे तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। देखिए जो ये होता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। मतलब जो बोला हुआ है, जो सेंटेंस को कोट करता है, आप इसको रिपोर्टर या स्पीकर भी कह सकते हैं। और ये जो है, जो ये वर्ब है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, ओके। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको कहीं ना कहीं ये तीन टर्म्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। एंड आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सामने आया था रिपोर्टर, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज रिपोर्टर। रिपोर्टर हम किसे कहते हैं? तो द वन हु रिपोर्ट्स, कहते हैं कि वह व्यक्ति जो रिपोर्ट करता है इज कॉल्ड रिपोर्टर। जो स्पीकर होता है वो हमारा रिपोर्टर होता है। मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टर। मीन्स जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये है, तो ये आपका कौन हुआ, रिपोर्टर हुआ। तो वही कह रहा है क्या, मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड रिपोर्टर। उम्मीद करते हैं रिपोर्टर क्या और कौन होता है डायरेक्ट या नरेशन में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच इज़ यूज्ड बाय रिपोर्टर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स वह वर्ब जो रिपोर्टर यूज़ करता है, जैसे कि आप इस चीज़ इसमें समझने की कोशिश किए, सी सेड, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ब है वो इसके लिए यूज़ हुई है, तो ये आपका क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, दी वर्ब विच इज़ यूज्ड बाय रिपोर्टर इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वह क्रिया जो रिपोर्टर के द्वारा या रिपोर्टर के लिए यूज़ की जाती है, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच? द सेंटेंस विच इज़ रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो वह वाक्य जो कहाँ लिखा होता है, विद इन लिखा होता है, अंदर लिखा होता है, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है? देखिए ये इस तरह का साइन होता है और इसके बीच जो वाक्य लिखा होता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बात है जो हमें ध्यान में रखने होती है, कुछ नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। नंबर वन कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर्स। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स होता है, स्मॉल लेटर से नहीं होता है। एंड रिटन वेयर विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसको हम कहाँ लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो दूसरे नोट्स को देखते हैं। इट मीन्स कॉमास,
कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास की यहाँ बात कर रहा है. सो इट ए इट इज रिमूव्ड वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. सो जो ये कॉमास हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है. कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो. ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आप दो पॉइंट्स अपने माइंड्स में रखेंगे. आइए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं. इसके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच और कैसे इनडायरेक्ट करते समय कॉमा को हटा दिया जाता है. इस एग्जांपल्स को देखिए. सी सेड आई एम वॉचिंग टीवी. ये डायरेक्ट स्पीच में है, क्योंकि देखिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्यों? क्योंकि ये आपका रिपोर्टर है और डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टर हमेशा रिपोर्टेड स्पीच हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है. तो जब भी कोई सेंटेंस आप इस रूप में मिलता है तो आप उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. अब देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. अब इसका इनडायरेक्ट देखिए. सी सेड दैट सी वॉज वॉचिंग टी वी. सो यहाँ पर जो कॉमा है एंड जो इन्वर्टेड कॉमास है इसको हम रिमूव करके कुछ रूल्स अप्लाई करके हम इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच को क्या फॉर्म करते हैं, कहाँ से? डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं. उम्मीद करते हैं कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग कैपिटल से होती है और इसको कैसे हम रिमूव करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, ये आपको क्लियर हो गया होगा. आइए अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे रूल्स होते हैं, इनको कैसे चेंज करते हैं. डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या बातों को अपने दिमाग में रखें और क्या क्या सावधानियाँ रखें ताकि हम आसानी से जो है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकें. सो अब हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन. ओके, सो देयर आर टू रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए जो रूल्स होते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, वो दो रूल्स होते हैं, दो नियम होते हैं और दे आर एज फॉलोइंग. उनको हम देखने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा. बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस इन दो नियमों को, फिर भी आप बहुत ही ध्यान से इनको समझने की कोशिश कीजिएगा. सो नंबर वन जो है वो है पहला आपका जनरल रूल. तो जो पहला नियम है उसको हम जनरल रूल कहते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जनरल रूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, जनरल रूल जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. क्यों? क्योंकि इस रूल का जो यूज़ होता है वो सभी तरह के सेंटेंस के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो सेंटेंस आपका असर्टिव हो, चाहे वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें जनरल रूल्स के जो टर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो यूज़ होती हैं. तो इसलिए जनरल रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आप जनरल रूल को बहुत ही सावधानी से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. सेकेंड जो रूल है वो है स्पेसिफिक रूल फॉर स्पेशल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा इसमें अलग है पॉइंट्स, थोड़ा सा टफ भी है, तो इसको भी बहुत ध्यान से आप देखिए. मैं इसे जो है इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा. ये जो है कुछ स्पेशल जो है वाक्य होते हैं उनके लिए उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई होंगे वो टर्म्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे. तो चलते हैं अब एक एक करके इनको हम लोग पढ़ें. सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल रूल को. सो जनरल रूल को देखने से पहले एक बात हम अपने दिमाग में रखें कि जनरल रूल हम कब अप्लाई करेंगे. कह रहा है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सबसे पहले जब हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें किसको देखना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना चाहिए. तो क्या कह रहा है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस. यदि रिपोर्टिंग जो वर्ब है
जो से या सेड या ऐसा है वो अगर पास्ट में आता है, पास्ट टेंस, ऑलरेडी आप टेंस के बारे में ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आपको मालूम होगा कि पास्ट टेंस में किस तरह की वर्ब्स यूज़ की जाती हैं। तो कह रहा है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो है कुछ आज जो नियम हम देखने वाले हैं उसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। बट कंडीशन क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो आइए अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, देखते हैं। और लेकिन उससे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, क्योंकि मैं आपको जो रूल्स बताने जा रहा हूँ जनरल के, वो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा और आपको याद भी नहीं करना होगा, ये आपको याद हो जाएगा। बट आपको एक सेंटेंस की का जो है हेल्प लेके उसको देखना है कि कैसे कैसे, पहले हमें क्या ध्यान देना है, बाद में क्या देना है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब पहले इसको देखते हैं, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए चेंज करते हुए जाएं। तो सबसे पहले आइए रिपोर्टर, ये देखिए हमारा क्या है, रिपोर्टर है। ये हमारा रिपोर्टर नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन है। ओके तो रिपोर्टर कभी भी चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट में जो रिपोर्टर होता है वही इनडायरेक्ट में भी रिपोर्टर होता है, तो इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। अब उसके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए नियम को देखते हैं। तो नंबर वन जो पहला रूल्स है, चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके तो अब हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। देखिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से है तो ये चेंज नहीं होगी, से को से में ही लिखेंगे। सेज है तो ये भी नहीं चेंज होगी, इसको भी हम सेज में ही लिखेंगे। से टू है तो ये चेंज होगा, इसको हम टेल में यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि से टू होगा तो उसको हम टेल में अप्लाई करेंगे, सेज टू होगा तो ये टेल्स में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए वर्ब ही ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर विल से टू है तो विल तो अनचेंज होगा, बट से टू किस में चेंज होता है, टेल में होता है, तो विल टेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर विल से है तो ये नहीं चेंज होगा। सेड है ये भी नहीं चेंज होगा, सेड सेड में ही होगा, बट सेड अगर टू है, सेड टू है तो ये टोल्ड में कन्वर्ट होता है। क्लियर? सो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। कहाँ से, डायरेक्ट में अगर ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब्स आई हुई हैं तो इनको इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के रूप में हम चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट जो रूल है चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ये क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ये आपको लर्न करना होगा तो आप इसे लर्न कर लें। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे बदलता है। देखिए अगर रिपोर्टर है आई से, तो ये आई से ही होगा इनडायरेक्ट में, हम ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आई से है तो ये आई से ही होगा, ही सेज है तो ही सेज होगा क्योंकि ये चेंज नहीं होगे। बट अगर आई से टू हिम होगा, आई से टू हिम होगा तो आई टेल हिम हो जाएगा क्योंकि से टू किस में कन्वर्ट होता है, टेल में कन्वर्ट होता है। अगर ही सेज टू मी होता है तो ही टेल्स मी क्योंकि सेज टू किस में कन्वर्ट होता है, टेल्स में कन्वर्ट होता है। अगर होगा ही विल से टू हर, तो विल तो कन्वर्ट नहीं होगा बट से टू कन्वर्ट होता है टेल में, तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल हर। ओके उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देखते हैं, विल से को देखते हैं, ये तो अनचेंज होगा तो ये विल से होगा। ही सेड ये भी अनचेंज होगा, ही सेड। अब अगर ही सेड टू मी है तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी क्योंकि सेड टू किस में कन्वर्ट होता है, टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब्स को
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं, दूसरे रूल्स को देखते हैं। देखिए हमारा ये पॉइंट्स और यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, उसके बाद जैसे हम आएंगे आगे तो हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे। तो अब क्या कहता है, कह रहा है कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, तो इनको हम हटा देते हैं। सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। एंड इन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन दैट इज यूज्ड, ठीक है, जो कंजक्शन दैट होता है उसको यूज़ करते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच और इसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो दूसरा रूल्स है, सॉरी ये जो दूसरा रूल्स है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें क्या या कौन सा रूल या किस बात को अपने दिमाग में रखने हैं। तो पहले कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे और कंजक्शन का क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे वहाँ पर। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पॉइंट्स को देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो हम हो गया, हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे ही यहाँ इसमें आएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा रिपोर्टेड स्पीच हम जब इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये या तो आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए कैसा प्रोनाउन है, यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट क्या है, आई है, एक प्रोनाउन है। तो अब हम कैसे इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारा रूल्स है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपको एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, जैसे सन, पुत्र का, सन मीन्स होता है पुत्र, इसको हम नंबर दे देते हैं, एस को हम वन दे देते हैं और ओ को हम टू दे देते हैं और जो है एन को हम थ्री दे देते हैं। अब इसे मान लेते हैं एक तरह से, ठीक है, फर्स्ट इसे मानते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। तो इसी तरह से जो प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन इसे मान लें, इसे सेकंड पर्सन मान लें और इसे थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो भी एस जो है ये स्टैंड करता है सब्जेक्ट, ओ जो है इसको स्टैंड कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और एन जो है यहाँ पे नाउन नहीं है, यहाँ पे नो चेंज की को स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपका जो आपका ये है, ये अगर आपका फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर ये चेंज होगा। अगर ये आपका सेकेंड पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। और अगर ये आपका जो है सब्जेक्ट वो क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये नो चेंज होगा, इसको हम नहीं चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये सेकेंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आइए इसको और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा अभी हमने पहले अभी इसे वाली ये यहाँ पर हमने अभी बताया है आपको कि कैसे चेंज होता है, यही चीज़ यहाँ पर भी है, इसको देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई आपका होता है और वी होता है। अगर ये दोनों है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का मतलब है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। अभी दूसरे में क्या कर रहा है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या होता है, एक ही प्रोनाउन होता है, वो है यू। अगर यहाँ पे यू है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो यहाँ पे सेड के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हो यहाँ पे सी सेड टू मी, तो ये जो होता यू वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आगे की पॉइंट देख लेते हैं, अगर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है कि ही होता है, सी होता है, इट और दे, अगर ये हैं तो अगर आपका थर्ड पर्सन है तो नॉट चेंज, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चेंजेस ऑफ प्रोनाउन जो रूल्स है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पहुँच गए, ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गए। इसके आगे जैसे आते हैं तो टेंस आता है, लेकिन इसको छोड़ के अभी रखते हैं, इसको हम थोड़ा अभी इस रूल्स के बाद डिस्कस करेंगे कि टेंस कैसे हम चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रूल देख लेते हैं इसके लिए, इस वर्ड्स के लिए। कह रहा है कि चेंजेस ऑफ टाइम एंड प्लेस डिनोटिंग वर्ड्स। तो अब हम इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना होगा कि कैसे चेंज होता है। अब हम इस रूल में कुछ ये देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिनसे टाइम या फिर स्थान प्लेस का बोध होता है, तो उनको हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये पॉइंट्स को अब देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट अगर स्पीच में दिस है, एक डिमोन्स्ट्रेटिव दिखाने वाला वर्ड है, तो इसको हम दैट में कन्वर्ट करेंगे। दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट में कन्वर्ट करेंगे। दीज अगर है तो उसे हम दोज में कन्वर्ट करेंगे। हियर है तो उसे हम देयर में कन्वर्ट करेंगे। हेंस है तो उसे थेंस में, इधर है तो उसे थीथर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसे आपको लर्न करना है, दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, हेंस थेंस में, एंड हीधर एंड किस में कन्वर्ट होता है? थीथर में। अब और भी कुछ चेंजेस होते हैं उनको भी देख लेते हैं। अगर नाउ है तो आप उसे देन में कन्वर्ट करेंगे, एगो है तो बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, दस है तो आप उसे सो में कन्वर्ट कर देंगे, टुडे है तो आप उसे दैट डे में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो है नेक्स्ट डे आ द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। एक बार इसको फिर से देखिए कि डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो वो देन में जाएगा, एगो है बिफोर में कन्वर्ट करेंगे, दस है सो में कन्वर्ट करेंगे, और टुडे है तो दैट डे में, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या फिर दी फॉलोइंग डे में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको देख लेते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। स्टरडे आपको द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है, लास्ट द प्रीवियस, अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर में आप कन्वर्ट करेंगे। द लास्ट फोर्ट नाइट को द प्रीवियस फोर्ट नाइट में कन्वर्ट करेंगे। द डे बिफोर स्टरडे को द डे बिफोर द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे, एंड द डे आफ्टर टुमारो को द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे आ द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं जो टाइम को बताते हैं और जो प्लेस को बताते हैं, इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने कहा कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब जैसे ही आई इस सब्जेक्ट के बाद हम आएंगे तो हमें यहाँ से टाइम मिलेगा, टेंस मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चेंजेस हैं टेंस का वो किस तरह से किया जाता है। ओके, सो हम नेक्स्ट रूल्स को देखेंगे, चेंजेस ऑफ टेंसेस। तो जो पहला देखिए टेंस है वो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्ट, जैसे जो डायरेक्ट स्पीच है अगर उसका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किस में आया हुआ है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आया हुआ है, तो उसे इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम इस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स पास्ट इनडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए डू एंड डज, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट इनडेफिनिट की क्या है? मेन वर्ब है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके डिड और फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करने का जो रूल है वो आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि डिड किस तरह के सेंटेंस में आएगा, अफर्मेटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा कि इंट्रोगेटिव में आएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, सेकेंड फॉर्म कब यूज़ करेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, बिकॉज ये सारी चीज़ें टेंस में ही ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं जो पीछे की वीडियोज़ में आप देख चुके हैं।
तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे कि कैसे इनका यूज़ होता है, बस हाँ कि कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होता है यहाँ पे इस तरह से देखते चलेंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होगा, मीन्स अगर वाक्य आपका अफर्मेटिव में है, अगर वाक्य आपका निगेटिव में है, अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव में है, तो वो उसी तरह के वाक्य में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्या है, ये अफर्मेटिव में है तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव में चेंज होगा। अगर ये आपका निगेटिव में है तो ये भी आपका निगेटिव होना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर भी आपका इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो वहाँ आप उसको अफर्मेटिव में करें, वो गलत हो जाएगा। आइए अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है। डायरेक्ट स्पीच है ये, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, पहले सेंटेंस देखिए, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हुआ है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेड ये भी चेंज नहीं होगा तो सेड हो जाएगा। तो उसके बाद कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट हम यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए ये आई है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, ये इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मतलब ही के अकॉर्डिंग। तो आपका आई ये क्या बन जाएगा? ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए ये हियर है, हियर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? देयर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा रूल्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरे वाक्य को देखते हैं, रानी सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी। तो रानी सेड टू मी, अब देखिए रानी चेंज नहीं होने वाला बट सेड टू चेंज होता है। सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। ये आपका क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? रानी सेड टू टोल्ड मी, ये वही रहेगा। अब कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का यूज़ करेंगे। तो रानी टोल्ड मी दैट, अब देखिए यू, ये आपका जो है, ये जो यू है वो सेकेंड पर्सन है, इसलिए किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपका ऑब्जेक्ट के। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मी आई। अब ये डू नॉट है तो इसमें हो जाएगा डिड नॉट हेल्प। अब ये मी है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रानी, रानी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? सी, सी यूज़ करेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? हर। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच? रानी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखिए, आई सेड टू हर यू डोंट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। आई सेड, तो आई टोल्ड हर दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी, सी डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आइए अगले टेंस को देखते हैं। जो हमारा दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, और क्रिया जो यूज़ करते हैं वो आई एन जी, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। सॉरी, अब इसको जो चेंज हम करेंगे, अगर आपका डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया हुआ है तो इनडायरेक्ट जो है आप पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज एंड वर, और आई एन जी फॉर्म मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। ठीक है, मीन्स इज एम आर को आप वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, और बाकी सारा जो चेंजेस होगा, चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ द वर्ड्स दोज विच डिनोट्स टाइम एंड प्लेसेस, सो वो कैसे होंगे? वो सब पहले के अकॉर्डिंग, जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है, वो वैसे के वैसे होते रहेंगे। उस पर कोई चेंजेस नहीं हमें करना है, हमें चेंजेस केवल हमें ध्यान देना है किसको? रिपोर्टिंग सॉरी हमारा टेंस को। तो चलिए देखते हैं,
एग्जाम्पल्स के थ्रू. सुमन सेड राम इज प्लेइंग द मैच टुडे. अब देखिए सुमन सेड, सुमन सेड, सेड के हमारा सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट में है तो इसके टेंस को बदला जाएगा. तो सुमन सेड, सुमन सेड. दैट, दैट. राम एक नाम है इसलिए चेंज नहीं होगा. राम इज की जगह पे वॉज प्लेइंग द मैच. अब टुडे है तो टुडे इसमें चेंज होता है दैट डे में. तो क्या हो जाएगा, रान सुमन सेड दैट राम वॉज प्लेइंग द मैच दैट डे. अब दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं. अब देखिए ये पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसलिए पास्ट ही कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया है. ही सेड ये चेंज ही नहीं होगा. दे आर नॉट डूइंग माई वर्क. माई देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन तो इस ही के अकॉर्डिंग बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो कह रहा है कि ही सेड रहेगा. दैट दे एक थर्ड पर्सन है इसलिए ये बदलेगा नहीं. दे आर की जगह पे वर हो जाएगा. वर नॉट की स्पेलिंग यहाँ गलत है तो दे वर नॉट डूइंग. अब देखिए माई वर्क ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या होगा, हिज वर्क हो जाएगा. क्लियर. तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट दे वर नॉट डूइंग हिज वर्क. तीसरे सेंटेंस को देखते हैं. सी सेड, सी सेड ये भी चेंज नहीं होगा. माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग टीवी. लेकिन माई ब्रदर ये फर्स्ट पर्सन है. देखिए माई, माई इज अ फर्स्ट पर्सन सो सी के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा. तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट माई ब्रदर की जगह पे हम यूज़ करेंगे अब हर ब्रदर. इज वॉचिंग की जगह पे वॉज नॉट वॉचिंग टीवी. उम्मीद करते हैं कि कैसे ये चेंज हो रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये कैसे टेंस चेंज हो रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे. आइए अब अगले टेंस को देखते हैं, नंबर थर्ड, तीसरे टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है और वर्ब की हमेशा हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं. तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपका जो चेंजेस होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो आप पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे. मींस हैज और हैव को आप हैड में, और थर्ड फॉर्म अनचेंज रहेगी. ये हूबहू वैसे ही सॉरी लिखी जाएगी. क्यों, क्योंकि पास्ट में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है. पहले सेंटेंस में कह रहा है कि मोहन सेड, अभी बदलेगा नहीं क्योंकि सेड कभी चेंज नहीं होता. ही हैज़ डन हिज वर्क. अब देखिए ही आपका थर्ड पर्सन है और यहाँ पर भी हिज भी आपका थर्ड पर्सन है तो प्रोनाउन बदलने वाला नहीं है, हम केवल टेंस बदलेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, सेकेंड आई मीन पास्ट टेंस में है, सेकेंड फॉर्म में है. तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही हैज की जगह पे ही हैड डन हिज वर्क. दूसरे वाक्य में देखते हैं, मिस्टर पांडे सेड आई हैव नॉट बॉट दिस कार. सो मिस्टर पांडे सेड ये चेंज नहीं होगा, आई ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर पांडे. एंड नॉट बॉट दिस कार, दिस क्या है, दिस को चेंज करेंगे दैट में. तो क्या हो जाएगा, मिस्टर पांडे सेड दैट. अब ये आई अकॉर्डिंग टू मिस्टर पांडे में बनेगा ही, ही हैड, ही आई हैव की जगह पे क्या हुआ, ही हैड नॉट बॉट दिस कार की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, दैट कार यूज़ करेंगे. उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. सी सेड टू मी. अब सेड टू ये चेंज होगा क्योंकि ये चेंज होता है. मी यू हैव नॉट गिवन माई वर्क. अब देखिए यू आपका सेकेंड पर्सन है या माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कंजक्शन लगेगा. यू अकॉर्डिंग टू आई मी कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा आई. सो सी टोल्ड मी दैट आई, आई हैड नॉट गिवेन, आई हैड नॉट गिवेन माई वर्क. माई कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू सी क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है. सो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माई बुक की जगह पे हर बुक. सो सी सेड टू मी यू हैव नॉट गिवेन माई बुक. इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट गिवेन हर बुक. उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आइए नेक्स्ट टेंस को देखते हैं, नंबर फोर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे हैज बीन और हैव बीन इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है और क्रिया की आई एन जी फॉर्म लगाते हैं. अगर इस तरह का सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे. मीन्स हैड बीन और
आईएनजी फॉर्म में उसे चेंज करेंगे। आइए एग्जांपल्स के थ्रू इसे फिर समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सो कह रहा है कि सी सेड, ये चेंज होगा, माई ब्रदर हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब माई ब्रदर चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, और इसमें कुछ और चेंज होना नहीं है, तो सी सेड कंजक्शन लगेगा। दैट माई ब्रदर की जगह पे हर ब्रदर होगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं। ही सेड, ये भी नहीं चेंज होगा। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, तो माई ब्रदर यहाँ पर, सॉरी माई फ्रेंड, ये चेंज होगा यहाँ पे, क्या होगा, ही सेड दैट माई फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड्स हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। अब तीसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कह रहा है दे सेड वी हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, तो ये वी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मीन्स दे के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, दे सेड चेंज नहीं होगा। दैट अब वी किस में अकॉर्डिंग बदल गया है, दे के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे, वहाँ पे हैव बीन था तो यहाँ पे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सो इस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस टेंस को, चौथे टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आइए नेक्स्ट टेंस को देखते हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है। नंबर 5 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब जब डिड आए तो उसे आप हैड में कन्वर्ट कर देंगे, जब V2 और V1 ये वर्ब है तो इसको हम V3 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय। इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी आई वांटेड, अब देखिए वांटेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, आई वांटेड टू हेल्प यू, सो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू मी, सेड टू टोल्ड मी दैट, अब ये आई अकॉर्डिंग टू मोहन के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो मोहन के एक मेल है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ही, तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प। अब यहाँ पे हेल्प यू है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेल्प यू जो आपका ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मी, क्लियर। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं। सी सेड आई वोन दी मैच प्राइज, तो सी सेड दैट, आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सी हैड वोन दी प्राइज। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, ही सेड आई डिड नॉट, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे माई ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ही सेड चेन्नई होगा, दैट अब आई की जगह पे ही हैड नॉट हेल्प्ड, अब यहाँ पे माई फ्रेंड की जगह पे हिज फ्रेंड होगा। ओके, सो ये आपका क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट के परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। ये नेक्स्ट टेंस को देखते हैं वो किस तरह से चेंज किया जाता है। सो जो आपका नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसमें जो वर्ब्स यूज होती है वो आईएनजी फॉर्म में यूज होती है, इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। तो अगर ये आता है तो आप उसे पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, मींस पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, मींस वाज एंड वर आता है तो उसे हैड बीन में और आईएनजी में आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का जो पहला है, जैसे सीता सेड टू मी आई वाज डूइंग माय वर्क स्टडी, अब देखिए आई ये चेंज होगा और योर वर्क, ये भी योर जो है ये भी चेंज होगा, स्टडी भी चेंज होगा, और यहाँ पे सेड टू भी चेंज होगा, तो क्या होगा, सीता सेड टू की जगह पे सीता टोल्ड मी दैट, आई की जगह पे सी, क्योंकि ये अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सीता चेंज होगा, सो दैट सी हैड बीन डूइंग, अब सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माई वर्क, योर वर्क की जगह पे माई वर्क। अब क्या है स्टडे, स्टडे को क्या कहते हैं, द प्रीवियस डे। ओके तो क्या इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, द इसका सीता सेट टू मी आई वॉज डूइंग योर वर्क स्टडे, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा सीता टोल्ड मी दैट सी हैड बीन डूइंग माई वर्क द प्रीवियस डे। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, आई सेड आई वॉज नॉट टीजिंग देम, सो आई ये चेंज होगा, देम ये आपका क्या है थर्ड पर्सन है, ये जो चेंज होना नहीं है। आई सेड दैट आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये आई रहेगा, सो आई सेड दैट आई हैड नॉट सॉरी बीन टीजिंग देम। लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू हर यू वर बीटिंग माई ब्रदर लास्ट वीक, सो यहाँ पे ही सेड टू चेंज होगा, यू भी चेंज होगा एंड बीटिंग माई भी चेंज होगा और लास्ट वीक भी चेंज होगा, क्योंकि ये सारे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय। तो ये देखिए ही सेड की जगह पे ही टोल्ड हर हो जाएगा, ही टोल्ड हर दैट, यहाँ तक हो गया। अब यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये सी हो जाएगा, सो ही टोल्ड हर दैट सी हैड बीन बीटिंग। अब माई ब्रदर है, माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा माई, तो क्या हो जाएगा हिज ब्रदर। अब द लास्ट क्या है वीक है, द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट होगा। तो ये आपका जो है कुछ टेंस थे, तो टोटल जो है 6 टेंस थे जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो कुछ आगे भी अभी हम जो है जनरल रूल को ही पढ़ेंगे जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप अपने आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। And thanks a lot for being with us.